मुंडन तनाव के कार्यक्रम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं, और चूंकि आने जाने के लिए एक ही मार्ग है तो विधि व्यवस्था संधारण में समस्या उत्पन्न होती है। तो उसी के दृष्टिगोचर सभी कार्य किए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, माइकिंग की भी व्यवस्था की गई है, अस्थायी नियंत्रण कक्ष का भी निर्माण कार्य है, और अप्रोच रोड को दुरुस्त करवाना भी छठव्रतियों को सहूलियत देने के लिए अति आवश्यक है, उसके लिए भी सभी कार्य किए गए हैं, और लाइटनिंग की व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त कर दी गई है ताकि 7 तारीख को और 8 तारीख को जब संध्या का और प्रातःकाल दिया जाए तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं। और इसी प्रकार की कमोवेश व्यवस्थाएं सभी जो प्रमुख छठ घाट है बक्सर जिला अंतर्गत, चाहे डुमराव नगर परिषद हो, ब्रह्मपुर नगर पंचायत हो, सभी जगह पर यही सब व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर हम लोग बात करें तो 4 दिवसीय अनुष्ठान जो ये प्रारंभ होता है छठ का, इसमें कल से प्रारंभ हो जाएगा 4 दिनों का, यही व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों से क्या अपील किए जाए? नहीं, बिल्कुल, विधि व्यवस्था संधारण के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। 128 प्रमुख घाटों को आइडेंटिफाई करके वहां पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी प्रकार का जो है उड़न दस्ता दल का भी गठन किया है। सेक्टर्स को जो है सेक्टर्स में विभाजित सभी हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनको किया गया है, जोन्स में किया गया है, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। सभी जो श्रद्धालु हैं, मेरा उनको यही सुझाव है, उनसे ये अपील है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बस वो लोग रहें, और बाकी उनको चिंता करने की, समस्या लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी प्रकार की जो है तैयारियां जिला प्रशासन ने की है, किसी भी प्रकार की अफवाह पे कोई व्यक्ति ध्यान ना दे, तो यही अपील है और कोई विशेष नहीं। बाकी आएँ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण।